हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और ये दिखने में क्या होता है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है क्या है दोस्तों? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपके रेडिएशन रिलेटिव टेस्ट या रेडिएशन रिलेटिव स्कैनिंग की जाती है, उसको हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको एक्सरे मशीन, MRI, CT स्कैन, OPG, फ्लोरोस्कोपी या मेमोग्राफी मशीनें देखने को मिल सकती है। अब मैं इन मशीनों के बारे में बता देता हूँ कि मशीनें काम क्या करती है। जैसे कि अभी मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो ये मशीनें होती है काम क्या करती है। जैसे कि फर्स्ट आ गया अपना एक्सरे। एक्सरे मशीन का यूज हम कहाँ करते हैं? एक्सरे मशीन का जो हमारा बोन्स होता है, बोन्स कहीं से फ्रैक्चर है या कहीं से ब्रेकेज है, उस चीज को देखने के लिए हम एक्सरे मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका सीटी स्कैन। दोस्तों सीटी, सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफ। सीटी स्कैन का यूज हम उस टाइम पे करते हैं जो हमारे बोन्स होता है, बोन्स के अंदर भी काफी छोटे 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 टिश्यूज होते हैं या ऑर्गन होते हैं, उसको देखने के लिए हम सीटी स्कैन का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट आ गया आपका MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो MRI हमारा रेडिएशन वेव पे काम करता है। ये क्या करता है? जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं बॉडी के एंड ब्रेन्स के, उसको स्कैनिंग करके डिस्प्ले पे शो कर देता है, उसे को बोलते हैं MRI। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये मशीन हमारा रेडिएशन वेव पे काम करती है। इसका यूज हमारे जो बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसको देखने के लिए किया जाता है। लाइक इसका मोस्टली यूज हमारे ब्रेन के स्कैनिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में काफी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमारा क्या है? अल्ट्रासाउंड जो हमारा होता है, ये हमारा साउंड वेव पे काम करता है। MRI हमारा क्या था? रेडिएशन वेव पे काम कर रहा था। एंड अल्ट्रासाउंड जो है, ये साउंड वेव पे काम करता है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? जो हमारे बॉडी के संरचनात्मक या जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो किस टाइप से है, उसको देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका OPG। OPG का फुल फॉर्म होता है ऑर्थोपैटोमोग्राफ। OPG का जो यूज मोस्टली हमारा डेंटल डिपार्टमेंट में किया जाता है, बट वो रेडियोलॉजी वाला ही इक्विपमेंट है। इसी हमारा क्या करता है, जो दांत है, दांतों का एक्सरे दिखाता है कि आपका जो दांत है या जो आपका टीथ है किस बिहाफ पे कैसे फ्रैक्चर, या आपका माउथ यहाँ से कैसे किसी टाइप की दिक्कत या फ्रैक्चर तो नहीं, उस टाइम पे हम OPG का यूज करते हैं। मेमोग्राफी का यूज जो ब्रेस्ट या लेडीज जो ब्रेस्ट होती है उसको चेक करने के लिए किया जाता है कि उसमें कोई कैंसर तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मोस्टली मेमोग्राफी का ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही यूज किया जाता है। और भी काफी सारी चीजें, फ्लोरोस्कोपी मशीन हो गया एंड डाई इंजेक्टर हो गया। डाई इंजेक्टर क्या होता है? जब CT स्कैन या MRI करवाने के लिए जाते हो ना, तो कई बार होते हैं पेशेंट खाना वाना खा के आ जाता है या उसका ऑर्गन्स दिखता नहीं है, तो उस टाइम पे डाई इंजेक्टर में एक लिक्विड लगा के, फ्लूड्स लगा के पेशेंट के बॉडी में दिया जाता है। तो फ्लूड क्या करता है, जो ऑर्गन्स होते हैं उसको बिल्कुल क्लियर कर देता है। एंड फिर हम CT स्कैन या MRI करवाते हैं, तो जिससे हमें वो सारी ऑर्गन्स क्लियर दिखाई देती है, उस टाइम पे हम डाई इंजेक्टर का यूज। काफ़ी सारी मशीन होती है, मैंने कुछ मशीनों का नाम आपको बताया। एक चीज़ और बता देता हूँ, जब MRI डिपार्टमेंट में जाओगे तो MRI हमारा मैग्नेट वाला चीज़ होता है, मतलब मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि मैग्नेटिक के बिहाफ पे काम करता है। MRI में आपको MRI में आपको MRI कंफर्टेबल मॉनिटर देखने को मिलेगा, MRI कंफर्टेबल पेशेंट ट्रॉली देखने को मिलेगा, MRI कंफर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर देखने को मिलेगा, कि जिसमें मैग्नेटिक ना हो और वो MRI के कंफर्टेबल हो। अगर आप MRI डिपार्टमेंट बना रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेसिकली MRI के लिए, ठीक है। अब मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ डिपार्टमेंट कैसा होता है और ये दिखने में कैसा होता है। बाकी मैंने आपको कुछ इक्विपमेंट के नाम बताए, सारे के नाम नहीं बताए, काफी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल, आपका हॉस्पिटल किस बिहाफ पे होता है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है। ये अपना एक्सरे डिपार्टमेंट, ये एक्सरे डिपार्टमेंट है, ये लीड एपरेंट है, यहाँ से कंट्रोल करते हैं, ये गेट सोल है कि रेडिएशन पास ना हो। ये अपना फिक्स्ड एक्सरे है, फिक्स्ड एक्सरे का मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव नहीं कर सकते, ये एक ही जगह फिक्स रहता है। और OPG मशीन है, OPG जो दांतों का एक्सरे करते हैं उस टाइम पे हम OPG मशीन को यूज करते हैं। ये देख रहे हो OPG मशीन है, अभी मैं इसको आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। देखो ये अपना OPG को इस तरीके से वहाँ पर बटन ऑन किया, ये ऑन हो गया, ये देखो
इसका डिस्प्ले ऑन हो गया। ये डिस्प्ले में इसके मोड्स हैं, आपको कौन से मोड्स पे इसको यूज़ करना है, उस मोड्स पे इसको जो टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का यूज करते हैं। यहाँ पे हेड एंड माउथ को इसमें दबाया जाता है, और जो लाइट देख रहे हो उसको भी सेंटर में डाला जाता है। यहाँ से भी करते हैं, इस तरीके से होता है अपना एक्सरे डिपार्टमेंट। एक्सरे डिपार्टमेंट हमारा रेडियोलॉजी में आता है, कि रेडियोलॉजी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। एक्सरे करते समय जो हमारा डोर है प्रॉपर लॉक होता है कि रेडिएशन पास ना हो, और ये हमारा ऑन ऑफ बटन है, लाइट को हम ऑफ कर देते हैं और ग्रीन लाइट जल जाती है, जिससे टेक्नीशियन को देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं। ये आ गया अपना सीटी रूम, एंड हम इसको सीटी डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। ये अपना सीटी स्कैन हो गया, सीटी स्कैन हुई जो सीटी करता है, एंड ये जो आप देख रहे हो इसमें मिरर लगा रहता है। ये मिरर के पीछे टेक्नीशियन होता है जो ऑपरेट करता है सीटी स्कैन को, कि पेशेंट को किस तरीके से मूवमेंट करवाना है। पेशेंट को एक तरीके से गाइडनेस करता है कि आप सांस लो, सांस छोड़ो, आप ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस मत डालो। ये मिरर के पीछे से ही जो अपना टेक्नीशियन वो गाइड करता है पेशेंट को सीटी स्कैन पे लिटाने के बाद। इस टेबल पे लिटाने के बाद टेक्नीशियन बाहर चला जाता है, और जो मिरर देख रहे थे वहाँ से ऑपरेट करता है। ये रूम भी हमारा प्रॉपर ब्लॉक होता है कि कहीं से भी रेडिएशन बाहर पास ना हो, या जो बाहर बैठा हुआ मरीज या जो भी इनके साथ आया हुआ या जो भी स्टाफ है उन पे कोई रेडिएशन का इफेक्ट ना पड़े रेडिएशन का। तो ये सीटी स्कैन का जब रूम बनाते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। ये बैक साइड में आप ये जो छोटा सा इक्विपमेंट्स देख रहे हो, ये डाई इंजेक्टर है। एक्चुअली डाई इंजेक्टर का यूज उस समय पे करता है जब पेशेंट के बॉडी का अंदर का ऑर्गन्स नहीं दिखता, उस समय पे फ्लूड दिया जाता है पेशेंट के बॉडी में, फिर सीटी स्कैन पे लेटाया जाता है। ये आपको डॉक्टर ही बताएगा, वहाँ का टेक्नीशियन बताएगा। अब नेक्स्ट आ गया एमआरआई रूम। दोस्तों एमआरआई के लिए आपको पता ही होगा कि एमआरआई जो हमारा होता है मैग्नेट वाले चीज़ को एब्जॉर्व करता है। जब भी आप एमआरआई करवाने के लिए जाओ तो मैग्नेट वाली चीज़ पहन के ना जाओ, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखा जाता है। वैसे जब भी रेडियोलॉजी या सीटी स्कैन एमआरआई एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं हम हॉस्पिटल में, तो हमें एक अलग से ड्रेस दिया जाता है और मेटल की सारी चीज़ें रखवा ली दी जाती है, इसीलिए कि वहाँ पे पेशेंट या टेक्नीशियन को कोई दिक्कत ना हो एमआरआई सीटी स्कैन करवाने में। देख रहे हो कंसोल रूम, जहाँ से टेक्नीशियन ऑपरेट करता है सारी चीज़ें, यहीं पे बैठ के वो इंडिकेशन देता है पेशेंट को, जो मैं आपको सीटी स्कैन के रूम से बाहर दिखा रही हूँ। सारे एप्लीकेशंस वाले इक्विपमेंट होते हैं, एंड ये सारे पीसी बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड से ऑपरेट होते हैं। एक्सरे करने के बाद ये जो सीआर स्कैनर देख रहे हो यहाँ पे, एक्चुअली एक्सरे करने के बाद वो कैसेट को यहाँ पे स्कैन किया जाता है, इसके अंदर डाला जाता है, ये सीआर था है। और ये जो ये सीआर प्रिंटर हो गया, ये प्रिंटर उस चीज़ का प्रिंट निकालता है। ये आपको सीटी स्कैन में भी देखने को मिलेगा, एंड एमआरआई का जो आप रिपोर्ट देखते हो वो इन्हीं पे निकाला जाता है। सीआर स्कैनर स्कैन करता है और सीआर प्रिंटर प्रिंट आउट निकालता है।